finally saw the car there was a D90 FF का आ चुका है गुलाब का पार्ट वन तीन पार्ट में से पहला पार्ट है और मैंने न्यू रोल पिक किया एज स्नाइपर और यहाँ पे मैं 16 का था कैप्टन का एम ने नहीं कोशिश कर रहा था लेकिन दूसरी छत पे आ गई तो हमारे टीम मेट को मारने चाह रहे थे मैंने लेकिन मैंने इनको 131 का शॉट मार दिया मैं 363 का हेड मार दिया मौकों की वजह से मार जा रहा था फिर मैं उनके स्नाइपर की एम ने नहीं कोशिश कर रहा था फर्स्ट ब्लड आ रहे थे बहुत मुश्किल हो रही थी फिर इतनी देर में हमारे टीम मेट ने उसको नॉक मार दिया मैंने फिर रश मार दिया मैंने कहा चलो कम है लेकिन मैंने कहा नहीं मैं दूसरी छत पे जाऊंगा फिर मैं दूसरी छत पे गया वहां से मैंने इनके पोजीशंस ली और हमारे टीम ने फिर से एक और बंदे को नॉक किया और फिर भाई मैंने इन टायरस लगाया और मैंने इसको फुल मारने की कोशिश की लेकिन यहाँ पे एम लेते तो बच गया तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा फिर मैंने भूल गई मैं नीचे गया मैं मेरे पे रश हुआ मैंने फिर रश था तो मैं घूम के गया वो इतने देर में उस जवान वो इधर था उसको पता चल गया मैंने और फिर मारे माना वहीं ओरियन बने और फिर उनको मारने की कोशिश वो बहुत डर ही बच गए से हंटर भाई ने इनको मार दिया ट्रोगोन से इस टाइम हमारे नाम ये राउंड हो गया फिर मैंने डबल एमटू भी ली मेरा रोल है इस तरह फिर मैं वेट करने लग गया मैं कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि हमने बहुत अच्छा खेले थे हम इस पॉइंट ऑफ व्यू में फिर मैंने चीज़ें खरीदी कुछ फिर मैं बस वेट करने लग गया फिर मैं गया भागता हुआ और फिर मैंने इनको कहा कि तुम लोग अभी रश ना मारो तुम लोग हमेशा रश मारते और फिर इस तरह ही हम सारे हो जाते हैं नॉक और हार जाएंगे एक राउंड फिर मैं यहाँ पे चढ़ा मुझे पता था उनके स्नाइपर ने कहाँ से कवर देने मेरे पास हेलमेट हुई थी तो इसलिए स्मोक था तो मुझे कुछ मसला नहीं हुआ क्योंकि स्मोक के आर पार हो सकती है वो अगर ब्लू वॉल हो ना तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे साइबर ब्लॉक में देख रहा था कि बंदा है और वहाँ पे हमारा एक बंदा यू टर्न नॉक हो गया फर्स्ट ब्लड हमारे पे रश हुआ फिर मैंने 128 का एक शॉट मारी और एक बंदा नॉक हो गया और फिर दूसरे को मारने की कोशिश की लेकिन गोली निकली और फिर उसने स्नाइपर ने मारने की कोशिश की मैंने उसको मारने की कोशिश उसने मुझे और पीछे से जोन आ गया फिर मैं आगे गया फिर मैंने यहाँ पे बैठा मैंने मैरी गिर लगाई इतनी देर में हमारे टीम मेट्स ने उसको नॉक निकाल लिया और फिर मैंने कहा चलो रश मार देते हैं 3-2 की सिचुएशन है इतनी देर में एक और नॉक निकला उतनी देर में डबल किल मुझे साइबर ने ये गाल दिया कि उसने मेरे को फिक्र कि उन्होंने रश मार दिया हमारे पे जबकि वो स्नाइपर है उनके पास मिली होली होगी शॉट करी मैंने यहाँ पे और M2 भी खरीदी और गोलियों के लिए मेरे पेड किट्स खरीदी मशरूम्स खरीदे फिर मैं राउंड स्टार्ट होने वाला था मैं फिर ऐसे ही घूमता गया इधर उधर होता गया फिर राउंड स्टार्ट हो गया मैं ऊपर चढ़ गया मैं ऊपर चला मेरी गेम लैग हुई फिर मैंने स्पॉट करा फिर एनिमी से एनिमी स्पॉट कहा है फिर मैंने देखा मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा 16 का था की तरफ से दूसरे टीम को कैप्टन फिर मैं मेडी लगा रहा था फिर मैंने देखा कि उस साइड पर भी बंदा है मैंने स्मोक मार दिया कि इनको कुछ पता ही चले हमारे टीम को गिरा के जाएंगे मैं हंटर को बोला तो पुश ना करो लेकिन उसने पुश मारा और यहाँ पे काजा 16 काजा को बाहर देखा मैंने इतना अच्छा चांस किया और यहाँ पे स्नाइपर दोबारा और फिर पीछे से आके मुझे रश हो गया मेरे पे और फिर फर्स्ट ब्लड और भी जीता भाई ने हमारे वन बाय मेरा अच्छा मारा और फिर हमारे बाद भाई ने अकाजा भाई को मारा फिर वहाँ पे अहमान भाई अकाजा को रिवाइव करे थे और यहाँ से यूटा भाई ने अहमान भाई को
one time I don't want back to come from too far now in the care rush. Oh, dude. टॉक्सिक बन रहे थे बहुत. अब जो इनको बताया हुआ था कि वैसे ईद के लिए हमने बनाया वो ये बड़ी ज़्यादा हो गए ये टॉक्सिक ये वो, क्योंकि मैं पहली बार कज़ा ही खिलाफ खेल रहा था क्योंकि हम न्यू न्यू फ्रेंड्स बने हैं. फिर मैंने इनको कहा कि आराम से रश मारो, तुम लोग फुल तेज़ी से मार रहे हो, एक बंदा नॉक निकालो कम से कम. फिर मैं यहाँ से एम लेने की कोशिश कर रहा था इस बंदे के लिए, मुझे इतनी डैमेज बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा. फिर मैं अपनी स्कोप खोल के वहाँ 45 के HP से बच गया. मुझे पता था मैं प्रदर्शन था तो मैंने सेट क्योंकि मुझे पता था मेडिक लगा रहा था, मैंने मेडिक किट लगा ली था. एक बंदे मैंने डबल किल. उनके जोकर भाई ने बड़ा अच्छा स्नाइपर किया, अनकैप का पहली बार बना वो, लेकिन अच्छी तो गई है. और यहाँ पे मैं फिर से स्नाइपर बन रहा हूँ, मैंने बुरी गेम स्नाइपर ही बना हूँ. और फिर मैं इनको बोलेगा कि जरा सही खेलो, जरा ना तुम लोग सही नहीं खेल रहे इतना. चुप हो गए फिर तो मैं भी चुप हो गया क्योंकि हमने गेम पे फोकस करे थे. मैं इस वाले घर के अंदर गया, मैंने यहाँ से एम लेना था लेकिन यहाँ पे वॉल ने एम सारा ख़राब कर दिया. फिर मैं ऊपर चला गया कि ऊपर से मैं इनको मारूँगा, और मैं ऊपर गया तो मुझे उनका स्नाइपर भी किया था लेकिन कमरे में चला गया. फिर मैं देखता गया, मुझे कोई मिला नहीं, मैं वेट कर लिया. मैंने कहा चलो इस साइड से क्या पता दिखी जाए. ये फिर मुझे पता चला ये तो पीछे की साइड है, हमारे यूटा भाई पता नहीं कहाँ गए हुए थे. फिर वो आ गए, इन्होंने हमारे पांडा भाई ने एक नॉक निकाला और हमने और यहाँ पे मैंने M2 भी चलाई. और फिर मैं घर के अंदर गया और यहाँ पे मेरा नेट चला गया था, मैंने नेट फिक्स किया. फिर मैंने देखा कि डबल किल और यहाँ पे 100 में नॉक हो गया. ट्रिपल किल, फाइनली मार जो रही है. इसी के साथ एक और राउंड हमारे नाम होता हुआ, फिर दोबारा से एक राउंड हुआ. इस राउंड में इन्होंने बहुत गंदा खेला, ये मैं आपको बताता हूँ, दिखाऊंगा आपको ना. मैं ऐसे इनको समझा रहा था कि ऐसे खेलो, ये करो वो करो फलाना करो, बहुत हम फोकस करके खेल रहे थे. मैं ऐसी थी कि प्रैक्टिस कर रहा था. फिर राउंड स्टार्ट हो गया, मैं ऊपर गया इस घर के, मैंने फिर इनकी एम लेने की कोशिश की और इतनी देर में मुझे कोई मिला. फिर मैंने देखा कोई है, कोई है नहीं है. फिर मैं खुद में गया, पीछे आ गया. फर्स्ट ब्लड, यहाँ पर हमारे हंटर भाई को नॉक किया गया, पांडे भाई आ रहे थे. मैंने वो एक गोली मारी उनके स्नाइपर को, दोनों को वही हैं जो इनका बंदा कोई पता नहीं क्या कर रहे. उसको मैंने एक और मारा तो नॉक, फिर मैंने उसको डैमेज दिया. फिर मैंने वही बंदे को स्नाइपर को नॉक कर दिया. फिर मैंने रश मार दिया, 1v2 की सिचुएशन थी. हम मैं उसको ढूंढ रहा था, पांडा को भी नहीं पता था कहाँ पे वो. मैं घर के अंदर गया, मैंने देखा कि यहाँ पे दो वॉल लगी है. फिर मैं यहाँ पे आके बैठ गया कि ऊपर से आए फाइन से निशाना है. मैं समझ गया वो सीढ़ियों के पास बैठे हैं, लेकिन तब देखा मैंने तो वो वहाँ पे थे. फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको देख लिया था यहाँ से जाते हुए. पांडा भाई ने हमारे रश किया,
इस तरह हमारे नाम पे कॉल हो जाता है। फिर हम इनको इजी लेने लग गए। मैंने इनको कहा इजी गेम नहीं है ये, अच्छा खेलो, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे थे। मैं तो चुप बैठ गया। मैंने मैं बस क्या कहूँगा, मैं इनको यही करते रहेंगे ये लोग। स्टार्ट हुआ, मैं ऊपर जाना था। मैंने किंग को कवर देना था, फिर मुझे इतना ज़्यादा डैमेज पड़ा सो निकल गया की तरफ से। बड़ा अच्छा खेत है। मैंने यहाँ पे मेडिकल लगाई, फिर मुझे पता था मेरे पे राशन है, तो मैं पीछे चला गया। फिर मैं यहाँ पे आकर रुक गया। मैंने सो लकाजा को देख लिया यहाँ पे। फिर मैं वेट करने लगी उनका कि आ जाएंगे, इधर से आएंगे। फिर वो आए बड़े ही चलाकी के साथ। इन्होंने अगली ग्रू वॉल लगाई और आगे चले गए। मैं यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता कि बंदे, मुझे सिर्फ सो लकाजा का पता है। और वो स्मोक में वैसे मुझे कोई बंदा नहीं है। तो भाई अपने हंटर ने निकाल लिया बोला अच्छी तरीके से। मैं यहाँ पर गया तो बैक हो जाऊँ। बंदे ने आवाज से काजा ने उनको कवर दी और उसने भगवान से रश मार दिया मेरे अपने। फिर मारे यूटा भाई जाते हुए सीधा, और यहाँ पे हंटर भाई पता नहीं क्या कर रहे थे, डैमेज पड़ा। फिर एंड मौके पर मारे वरना ये खत्म थे। यहाँ पे बारना भाई को पता नहीं क्या बंदा फायरिंग थे। फिर उन्होंने फायरिंग रोकी तो पीछे से बैक हुआ है। स्मोक ने टाइम दिया था फिर मैंने भी हल्का जाना जरा शुरू कर दिया कि ये गेम है वहाँ खेल जाएंगे। बहुत ज़्यादा लीड में फिर मैंने इनको कुछ कहा। मैंने इनको कहा ऐसे ही खेलो बस, तुम लोग ना बड़ा अच्छा खेलो, ऐसे ही खेलो, हारना नहीं है भाई। फिर इन्होंने चुप हो गए। हम सीरियस खेल रहे थे ना, मैंने जैसे कहा मैं ये आगे, मैंने इस घर के ऊपर चढ़ना था लेकिन मिस हो गया मेरे से ये। फिर मैंने फिर से किया, फिर मैंने लगाने को छोड़ो और यहाँ मैंने डैमेज पड़ा। और फिर मैं ऊपर गया और यहाँ पे मैं ग्लो लगाने की कोशिश कर रहा था सही जगह पे। इतनी देर में मुझे उनके एक बंदे की बन की दिखी और वैसे वो आए जहाँ पर था। मैंने लगा दिया फर्स्ट ब्लड। चुनौती के साथ मैंने कहा था वो तीन उनके स्नाइपर उसे मुझे नॉक करके मार दिया। और यहाँ पे पाना भाई यूटा भाई को रिवाइव कर रहे थे। रिवाइव हुए मैंने ना मेडिकेट लगाई ना कुछ। पाना भाई ने एक को नॉक कर दिया। तो फिर बाद में जोकर भाई मारा और दो एच पी रह गई थी उनकी। फिर पाना भाई हमारे और यहाँ पे मार्च की तरफ से रश हुआ और जोकर भाई के अंदर जरा खराब आ रहा था। फिर वो ये वाले राउंड में मैंने वो ट्रिपल किल भी निकाला था शॉर्ट्स में, वो वीडियो जरूर देखे। मैं फिर मैंने इनको कहा आप जरा खेलो, वो कम बैक कर सकते हैं। या मैंने खेल ओ चीज़ें ली सुपरा मेडिकेट मशरूम से पेर दिया। फिर मैं देख रहा था मैप को कि ये लोग कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, एनालाइज कर रहा था। और यहाँ पे मैं बैठ गया कि सामने बंदे होंगे लेकिन बंदे थे नहीं। फिर मैंने कहा रश मारते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं रश नहीं मारना, मैं इधर हो गया क्या पता बंदे हों उधर। फिर मैं गया, मैंने देखा देखता गया
ये मुझे एक बंदे का लेना था हंटर भाई को, मैंने फिर से कहा था कि आपने रश नहीं करना, लेकिन वो रश कर रहे थे। फिर मैं इधर आ गया, मैंने कहा कोई बंदा नहीं होगा, और फिर मैं यहाँ से उनको कवर देने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे बड़े इंटेलिजेंट कैप्टन सोर कादा ने मुझे कैप्चर कर लिया था, और मैंने वहाँ पे स्मोक फेंका था और वो यहाँ पे खड़े थे। मैंने यहाँ पे ब्लू वाले नहीं फर्स्ट ब्लड, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 100 IQ पर काम किया और वहाँ से चले और डबल किल। और यूटा भाई को मैंने कहा भी था रश कर दो, वो डैमेज है लेकिन नहीं, और यहाँ पे नहीं किया उन्होंने, बहुत ही अच्छी तरीके से निकाला ट्रिपल किल। फिर इस तरह एक राउंड और वॉल ले गए। फिर मैं इस राउंड में सोचा कि मैं रशो बन जाना हूँ बिना किसी को बताए कि मैं रशो हूँ। मैंने M60 Max की मैंने ट्रूगॉन लेने के लिए गलती से पूरे बना ली, फिर मैं ट्रूगॉन ली, फिर मैंने फिर मैंने इतने में राउंड खत्म हो गया, शुरू हो गया। फिर मैं देख रहा था सोलो काजा और उनके टीममेट को, मैं समझा यहाँ पे आगे बने होंगे, तो मैंने वेट किया और मैं यहाँ पर वेट करता गया करता गया। फिर मैंने देखा कि नहीं, और मैंने फिर मैप में देखा तो वो बंदे सारे के सारे उस साइड पे थे। फिर मैंने रश मार दिया उस साइड को, बिना मुझे पता था तब कि फर्स्ट ब्लड भाई ने बहुत अच्छी तरीके से ब्रिलियंट खेलते हुए यहाँ पे एक राउंड और। इस वक्त मैंने इनको डांटा के यार तुम लोग क्या करो, सही तरह खेलो। मैं फिर से रशर बना, मैंने इनको सारी स्ट्रैटेजी बता दी कि तुम लोग इधर से एक बंदे ने इधर मारना और दूसरे बंदे ने इधर आना। मैंने फिर कहा तुम लोग सारे साथ हो, ये लोग साथ आने लग गए। मैं यहाँ पे सामान खरीदता हुआ बहुत ज़्यादा पॉइंट्स, फिर मैंने यहाँ पर गलती से होगी, फिर मुझे घर के दूसरी साइड पे पता आया जिस साइड से मैं नहीं गया उस साइड पे मुझे पता था कि वहाँ से बंदे आ सकते हैं, तो इसलिए मैं नहीं गया। फिर घंटा पूरी स्क्वाड ऑलमोस्ट मारी पर आई, और यहाँ पे यू क्या भाई बाहर को भगवान से मार दिया, वहाँ पे